Good morning, class 4. Today is Monday and date is 13. So today we will complete our chapter, chapter number 4, The Clever Judge of Baghdad. तो यहाँ पे जो हमने आपके दो पेजेस पहले कवर कर दिए थे 37-38, ये इसका कंटिन्यूशन पार्ट है ऑफ चैप्टर 4 का. और यहाँ पे आज टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट, टुडे विल वी विल नॉट ट्राई बट इवन बट वी विल कंप्लीट ओनली 39 पेज ऑफ अवर चैप्टर 4. तो यहाँ पे ये जो आपकी पूरी स्टोरी है इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं कि पहले जो इसमें एक दो फ्रेंड्स, मतलब एक फ्रेंड होता है, एक मर्चेंट होता है और वो अपने फ्रेंड के पास जाता है एक ओलिव से भरा जार लेकर, जिसके बीच में उसके 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड थे. क्योंकि वो क्योंकि बिजनेसमैन है, बिज़नेस करता है, मर्चेंट है, तो वो बहुत दूर दूर तक अपने बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाता रहता है. एक बार उसे 7 साल के लिए बाहर जाना था, तो उसने सोचा कि अपना सेफली अपना जो ट्रेजर है वो किसी के पास, अपने मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास रख देते हैं. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसको वहाँ पे रख देता है और बोलता है कि जब मैं लौटूंगा तो तुमसे ये जार ले लूँगा. लेकिन फिर एक बार जो उसका फ्रेंड होता है उसको उस जार की याद आती है, वो चला जाता है जो मर्चेंट है. तो उसको एक बार एक वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, तो उसको उस जार की याद आती है और जो उसके मर्चेंट फ्रेंड ने दिया था. तो उसको जब वो खोलता है उसको चखने के लिए और तो कुछ पीसेस ऑफ गोल्ड गिर जाते हैं, तो उसको पता चलता है इसके अंदर गोल्ड है. तो उसके अंदर छला जाता है, वो सोचता है किस तरह से इस पूरे मतलब हम गोल्ड को चुरा लें. और इसके लिए वो एक प्लान करता है, वो उसमें ओलिव ताजे लाता है और उस जार में पूरा ओलिव भर देता है और गोल्ड को अपने पास रख लेता है. उसके बाद जब उसका फ्रेंड आता है 7 ईयर्स बाद, वो अपना जब वो मांगता है पैसे, तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा मतलब पैसा नहीं था. और वो उसको ओलिव का जार दे देता है. जब वो चेक करता है तो उसमें कुछ भी उसके अंदर गोल्ड नहीं होता है. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे बोलता है कि आपको हमने जो जार दिया था उसमें गोल्डन पीस 1000 गोल्ड पीसेस थे, तो वो आप हमें वापस दे दीजिए. अगर आपके बिज़नेस में वो खर्च भी हो गए हों तो कोई बात नहीं, आप हमें उसको वापस कर देना. तो वो बोलता है नहीं, मुझे तो आपने ऐसे कोई पैसे नहीं दिए थे, मेरे पास ऐसे कोई पैसे नहीं है. तो वो उसको कोर्ट में लेके जाता है मर्चेंट जो था. तो वहाँ पे मर्चेंट जो, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस होता है, तो ये जो केस होता है क्लोज हो जाता है, क्योंकि मर्चेंट के पास जो है कोई प्रूफ नहीं था कि उसने उसको ऐसा दिया था. तो इस वजह से ये जो केस है वो क्लोज हो जाता है. तो जो मर्चेंट है वो डिसाइड करता है कि उसको मतलब कलफ जो है वहाँ के ये जो हारून अल रशीद थे, वो बहुत फेमस एक पर्सन थे जो कि वो डिसीशंस लेते थे. तो उन्होंने बोला कि अब मैं उनके पास जाऊंगा. और ये केस इतना डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसमें कोई एविडेंस नहीं था, तो ये केस बहुत डिफ़िकल्ट था. लेकिन उसी शाम को, जो अब हम लोग अपना चैप्टर का जो पेज है 39 वो शुरू करते हैं, तो उसी इवनिंग जो थे वो कैलिफ जो थे अपने ऑफिसर के साथ वेशभूषा में चेंज करके, अपने मतलब डिस्गाइज फॉर्म में जो है वो एक अपने मतलब उसी टाउन में वो जाते हैं. ये उस समय का कस्टम था कि मतलब जो ऐसे पर्सन होते थे, जो जैसे राजा लोग होते थे और जो डिसीशंस टेकर्स होते थे जैसे कि खलीफ थे, उन्होंने अपने आप को इस तरह से वो वेशभूषा चेंज करके अपने टाउन में निकलते थे, ये जानने के लिए कि कुछ टाउन में क्या हाल चाल है, मतलब लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. तो इस वजह से वो लोग इस फॉर्म से जाते थे और पता करते थे, तो मतलब अपने फॉर्म को चेंज करके निकलना. तो इसके बाद वो एक गेटवे पे जाते हैं, मतलब एक दरवाज़े पे मेन एंट्रेंस फॉर्म में उधर से पास हो रहे होते हैं रोड से. तो एक गेट के पास उनको कुछ 10-12 बच्चे जो होते हैं उनकी गेम मतलब देखते हैं कि वहाँ वो लोग गेम खेल रहे हैं. तो उसमें जब कैलिफ हैं वो हर्ट सुनते हैं कि कुछ चिल्ड्रन कह रहे हैं लेट्स प्ले कोर्ट रूम, तो हम आज कोर्ट रूम अदालत का गेम खेलते हैं. तो इस सेकेंड जो पैराग्राफ है आपका एज अफेयर ऑफ द मर्चेंट, क्योंकि उस समय तक जो मर्चेंट और जो फ्रेंड का केस काफ़ी पॉपुलर हो गया था बगदाद में. तो जो चिल्ड्रन थे मतलब बच्चे थे, उन्होंने क्विकली एग्रीड कर लिया अपने किस पार्ट को उनको खेलना है और किस पार्ट को किसको एक्ट करना है. तो इस तरह से सब चीज़ पहले से डिसाइडेड हो गई थी.
द जज जो था आज अ मर्चेंट, और इस तरह से जो जो बॉय जज था वो उसने बोला मर्चेंट को, बिजनेसमैन को बोलो, मतलब जो मर्चेंट था उससे कहा बोलो। तो उसने जो जो एक्टर था उसने सारी डिटेल को एक्सप्रेस कर दिया, और जो फ्रेंड था उसने सारी, उसने जैसे पहले था उसने मना करा कि ऐसा कोई भी मनी उसको ऑफर नहीं की गई है, और उसने इस चीज़ के लिए ओथ लिया और उसने बोला कि जो भी उसने कहा है वो सब बिल्कुल सही है। फिर आपका जो फोर्थ पैराग्राफ है, नॉट सो फास्ट सेड द जज, मतलब बहुत जल्दी नहीं उसने बोला, लेकिन उसने थोड़ा सोच के बोला कि ठीक है अब मैं इस ओलिव को खुद से टेस्ट करूँगा, आई माई सेल्फ वुड लाइक टू, मैं देखूँगा इसको द मर्च ओलिव्स के जार को। तो मर्चेंट प्रिटेंडेड टू सेट अ जार बिफोर द जज, तो मर्चेंट था उसने ये मतलब एक तरह से प्रिटेंड किया, मतलब एक तरह से उसको मतलब एक्शन में इस चीज़ को करा उसने कि एक जार को उसके सामने प्रेजेंट करा जज के सामने, और जो जज था उसने उस जार को देखा प्रिटेंडिंग टू इट, ऐसा उसने उसको मतलब एक तरह से एक्ट करा, प्रिटेंड करा, मतलब दिखावा करा कि तुम वो उसको खा रहे हैं, और दे वे एक्सेलेंट, दे आर एक्सेलेंट, ये तो बहुत अच्छे हैं। बट ओलिव्स कैन नॉट कीप फॉर 7 ईयर्स एंड बी सो गुड, लेकिन ओलिव्स जो हैं वो 7 साल तो नहीं रखे जा सकते और वो इतने अच्छे भी नहीं रह सकते। देयरफॉर इसलिए हम लोग जो है कुछ मर्चेंट ओलिव मर्चेंट्स को बुलाते हैं और उनसे ओपिनियन सुनते हैं। तो टू ओलिव जो थे, टू ओलिव मर्चेंट्स प्रेजेंटेड देमसेल्फ, और उनको दो ओलिव मर्चेंट्स को वहाँ पे लाया गया। ये आपका फिफ्थ पैराग्राफ है। तो सर रिप्लाइड द टू मर्चेंट्स, सर रिप्लाइड सर, तो उन्होंने उन दो मर्चेंट से ये कहा कि कितना भी हो आप किसी भी ओलिव को जो है वो आप 7 साल तक नहीं रख सकते, वो सिर्फ 3 साल से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, 3 साल के बाद जो उसका टेस्ट होता है या उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और टेस्टिंग द ओलिव्स दे टोल द जज दैट दे वेर न्यू एंड गुड, और उन्होंने उस ओलिव्स को भी टेस्ट करा, मर्चेंट जो आए थे जो उसके बिल्कुल विशेषज्ञ थे वो आए थे, और उन्होंने उसको भी जब टेस्ट करा तो उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल न्यू है अभी और बिल्कुल गुड है और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। तो जज ने तुरंत ही जो एक्यूज्ड की तरफ उसने फिंगर कर दिया कि तुम झूठ रहे हो, तुम बदमाश हो, और मतलब तुम ख़राब आदमी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ही क्राइड एंड डिजर्व टू बी पनिश, और तुम्हें पनिश्ड होना होगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो कैलिफ न्यू व्हाट ही वाज गोइंग टू डू, उसको अब पता चल गया था उसको अब क्या करने जा रहा है वो, और मतलब उसको हर चीज़ पता चल गई थी कि उसको अब क्या निर्णय लेना है। द रियल एक्यूज सॉ प्लेनली, और जो रियल जो एक्यूज था सॉ प्लेनली, उसको पता चल गया था कि जो ओलिव के मर्चेंट है उसको पहचान लिया है, कॉन्विक्ट है, उसको पहचान लिया है, और अब वो उसका जो अपराध है वो नहीं छिप सकता किसी से, ही कन्फेस्ड, और उसने अपने क्राइम को, अपने जो जो उसका जो अपराध था उसको उसने स्वीकार कर लिया, मान लिया, एंड रिवील्ड वेयर 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड वेयर हिडन, और उसने उसको शो कर दिया कि कहाँ पे वो 1000 पीसेज जो थे वो हिडन थे, कहाँ मतलब थे वो। द फॉर्चून वॉज क्विकली लोकेटेड, हर चीज़ जो मतलब सामने आ गई थी, रियलिटी वो जो थी वो सामने आ गई थी, लोकेट कर ली गई थी, आंसर उसका लोकेट कर लिया गया था, और हर चीज़ अपने राइट सिस्टम में आ चुकी थी, एंड रिस्टोर टू द मर्चेंट, और उसको उसके जो 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड जो थे वो उसको मर्चेंट को रिटर्न कर दिए गए थे। और जो खैलिफ था स्टर्नली वॉर्न द मर्चेंट, और उसने उसको एक अच्छे से उसको जो वॉर्न करा, एंड रिवॉर्डेड द बॉय, और उसने बॉय को रिवॉर्ड किया, मतलब उसने उसको 1000 पीसेज अपने पर्स से जो है विद द पर्स ऑफ 100 पीसेज ऑफ गोल्ड एज अ टोकन ऑफ हिज एडमायरेशन, उसके इस प्रेज के लिए, उसके इस तारीफ काबिल वर्क के लिए उसने उसको 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड पर्स से विद अ पर्स अपने पर्स के साथ उसको दिया। तो इस तरह से जो आपकी ये स्टोरी है यहाँ पे, ये टोटल हमें ये बताती है कि जितने भी जो भी राइट चीज़ है वो हमेशा सामने आ जाती है, राइट चीज़ कभी भी छुपती नहीं है, वो हमेशा आप जितना भी उसको छुपाने की कोशिश करो वो अपना एविडेंस, वो अपना प्रूफ कहीं ना कहीं छोड़ देती है। तो सच्चाई, इसलिए कहते हैं कि सच्चाई जो है उसका मतलब वो हमेशा ऊपर आती है, उसका उसको कोई दबा नहीं सकता है, इसलिए हमें अपने कैरेक्टर को कभी झूठ की तरफ ले ही नहीं जाना चाहिए कि हम डिफेम हो जाएं।
अगर आप मतलब झूठ बोलकर अपने जितना भी आपने अपने फेम को एक इस्टेब्लिश किया है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर आप इस तरह से वर्क करेंगे कि किसी थोड़े से मनी के लिए, मतलब हम लोग थोड़े से मनी के लिए अगर अपने कैरेक्टर को नीचा करते हैं, तो वो चीज़ थोड़े से मनी हो या ज़्यादा मनी हो, हमें अपने आप को अपनी जितना हमारे पास है उससे खुश होना चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे का सामान या दूसरे का जो मटेरियल है या दूसरे का गोल्ड है या दूसरे का वॉट एवर इट मे बी, तो हमें उसको गलत वे से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है देन इट्स ओके, अगर आपको कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ दे रहा है देन इट्स ओके, बट मतलब लालच के साथ अगर आप किसी का कुछ लेते हैं, आपको आपके पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को इस तरह से मतलब डिफेम करना चाहेंगे कि हम लोग किसी को, किसी का माल जो है या किसी का जो मनी है या किसी की प्रॉपर्टी है या किसी की कुछ है, उसको हम गलत ढंग से ले लेते हैं या उसको मतलब उसको छल के साथ लेते हैं, तो वो सच्चाई आपकी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। और वो चाहे आपको मेंटली परेशान करे, चाहे वो आपको किसी और वे से परेशान करे, वो आपको परेशान करती रहेगी और आप खुद डिफेम हो जाएंगे, डिफेम होंगे। तो इस वजह से हमें गलत काम ही नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो ना हम डिफेम होंगे, ना हमें कभी किसी चीज़ का डर होगा कि हम यहाँ से हमने ये लिया था तो अब हमको ये डर है। तो हमें डर किस बात का होगा, जब हमने कुछ गलत करा ही नहीं है तो हम डरेंगे ही नहीं, हमारी पर्सनैलिटी हमेशा अच्छी रहेगी। तो इस वजह से वी शुड नॉट टेक द थैंक्स ऑफ अदर्स एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लीड अवर लाइफ इन अ वेरी प्लेन एंड गुड वे। हमें अपनी लाइफ को बहुत प्लेनली और बहुत गुड वे से व्यतीत करना चाहिए। किसी का किसी से भी कुछ मतलब एज अ मतलब छल वे से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टोरी का लेसन है कि अपनी चीज़ों से हमें खुश रहना चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पे चैप्टर को स्टॉप करते हैं। 39 आपका पेज है, जो कि थर्ड पेज है इस चैप्टर का, द क्लेवर जज ऑफ बगदाद। सो क्लास 4th टिल देन, अब जब तक हम इसका कुछ नया, इसका जो वॉट एवर द बुक वर्क जो इसमें है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पे। तो टिल देन क्लास 4th, गुड बाय।